हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल दोनों ही देखे कि चैनल जो एक सस्पेंड हो गया है। ये काफी अच्छा चैनल था, ये काफी जल्दी धीरे धीरे कर ग्रोथ पे आ रहा था, लेकिन जैसी ग्रोथ पे आया वैसे ही इसको टर्मिनेट यानी डिसेबल्ड या सस्पेंड जो भी आप बोल सकते हैं वो कर दिया है परमानेंटली। अगर आपका चैनल इससे ना हो जाए उसके लिए मैं आप लोगों यहाँ पे सतर्क करने आया हूँ, जिससे कि आप बच जाए। अगर आप भी ये वो गलती कर रहे हैं तो उससे आप लोग रो जाइए। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोग का दोस्त और इस चैनल का होस्ट क्रिस हेठी। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं इसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ और आप लोग का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जो मेरा चैनल का नाम दिमागोलॉजी और दिमाग लगा टेक्नोलॉजी पर दिमागोलॉजी में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए करते हैं हम पार्ट टू में वीडियो की शुरुआत। तो गाइस, सबसे पहले हम उसकी वीडियो देख लेते हैं जो उस चैनल का होस्ट था, जिस चैनल का नाम बिल्लू का भसड़ था। आप लोग नहीं जानते, इससे पहले भी मैं अपने पुराने चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन फिर अब मैंने वहां से वो वीडियो हटाने जा रहा हूँ क्योंकि वहां पे इतना कुछ समझा नहीं पाया था लोगों को सही से कि क्या करना चाहिए था क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सब चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले उनकी वीडियो देख लेते फिर बात करते हैं। मैं हूँ प्रशांत कुमार, बिल्लू की भसड़ चैनल का क्रिएटर हूँ मैं। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि इस चैनल में आखिर हुआ क्या, किस वजह से ये चैनल डिसेबल हो गया। तो ये चैनल डिसेबल हुआ था, आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि ये बात कि चैनल डिसेबल हुआ, अचानक से गायब हो गया था। तो इस पे डिसेबल इसलिए हुआ था, एप्लेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने हमें कॉपीराइट भेजी थी, और एक वीडियो पे कॉपीराइट नहीं भेजी, इसने मेरी सारी वीडियो पे कॉपीराइट भेज दिया। तो इस वजह से ये मेरा जो चैनल है ना ये डिसेबल्ड हो गया। तो ये चैनल की स्ट्राइक भी नहीं लेते वापस, एप्लेक्स सॉफ्टवेयर वाले वापस नहीं लेते कॉपीराइट स्ट्राइक। तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता इस चैनल का। तो अब एक ही तरीका है नया चैनल बनाने का, तो मैंने नया चैनल बना लिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर दें इस चैनल की जगह जाके। थैंक यू फॉर द वाचिंग द। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखी, ये AI Plex कंपनी है, इनकी कंपनी जो है मतलब मेन जो ब्रांचेस तो इसकी हर जगह पे, लेकिन जो मेन कंपनी इसका हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। ये क्या करती है, अगर आपने कोई म्यूजिक बनाया, कोई मूवी बनाया, कोई गेम बनाया, तो इनके पास लोग वही लोग लेके जाते हैं जो क्रिएटर्स होते हैं उस चीज के, और इनको पैसे देते हैं और वो बदले में इनसे सिक्योरिटी लेते हैं। अगर कोई इनकी चीज यूज करता है, जैसे कोई मूवी यूज कर दी जो आपने बनाई है, किसी और ने यूज कर दिया, गेम यूज कर दिया, या कोई भी क्लिप जो भी आपने बनाया वो किसी और ने यूज कर दिया, तो ये उसकी सिक्योरिटी करेगा ताकि कोई यूज ना करे। अगर ये यूज करता है तो इसी तो कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है उसे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शायद इनको पता नहीं था कि ये होता है, इन्होंने वही गलती दोहरा दी। इन्होंने कुछ वीडियो ऐसे लगाए जिन पे इनकी सिक्योरिटी होती है। इनकी सिक्योरिटी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जाके डाल गूगल पे, मैं इसकी लिंक दे दूंगा AI Plex की नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसकी एक एक चीज बारे में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे वो सतर्क, मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता था कि कैसे आप लोग सतर्क हो जाए इन चीजों से कि आपका चैनल सस्पेंड ना हो जाए यही चीज करके। ये काफी अच्छी कॉमेडी वीडियोस डालते थे, काफी ज्यादा 14,000 व्यूज आने लग गए, इनके 1,000 व्यूज आने लग गए। तो मैं उन्हीं बातों से आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ। अगर आपके भी आ रहे हो तो आप एक बार अपने चैनल को देख लें, एनालाइज कर लें खुद की, कहीं आपने कोई ऐसी चीज तो यूज नहीं कर ली जिससे आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाए या स्ट्राइक पड़ जाए आपके चैनल पे, कम्युनिटी स्ट्राइक कुछ भी पड़ जाए ऐसे आपके चैनल पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इन्होंने भी 3-4 महीने लगातार मेहनत करी, काफी अच्छा इनका ग्रोथ होने लग गया था धीरे धीरे करके। मैं इनके चैनल को काफी अच्छे से जानता हूँ, मैं भी इनके चैनल का सब्सक्राइबर रहा क्योंकि मेरे दोस्त है स्कूल के, तो मैंने भी इनके चैनल को काफी ज्यादा फॉलो किया, तो जिससे कि मेरे को पता लगा कि काफी अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन अब ये कॉमेडी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने इनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी वीडियो में दिक्कत आ गई थी इसलिए मैंने वापस से वॉइस ओवर दिया है, जाके आप चेक करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में। PR गेमिंग इनके चैनल का नाम है, पहले ही दूसरे चैनल खुलने आए थे लेकिन इनके चैनल का नाम PR गेमिंग है, आप जाके चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा चैनल इन्होंने क्रिएट किया है। जैसे कि किसी की दूसरी की चीज़ यूज़ करनी है तो उससे पहले उसकी परमिशन लीजिए, परमिशन नहीं देता तो आप यूज़ ना करें, छोड़ दीजिए, आप नया आइडिया ही बनाए थोड़ा। नहीं तो मैं परमिशन की ट्राई कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई निकल जाए कि छोटे क्रिएटर्स को भी परमिशन मिल जाए तो उसकी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। आपको पहले कमेंट में लिख के बताना होगा छोटे क्रिएटर्स को किसी चीज की परमिशन लेनी है तो कैसे लें, वो छोटे क्रिएटर्स के जल्दी से ईमेल एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैं बता दूंगा सब कुछ, लेकिन आपको पहले कमेंट करना होगा, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही वो हो जाएगा सक्सेसफुल आपको कमेंट करने की भी जरूरत नहीं होगी, मैं खुद ही वो वीडियो डाल दूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा, ताकि अगर आपको कोई दोस्त क्रिएटर है वो सेम गलती कर रहा है आपको नहीं पता है
तो आप उसको ये वीडियो भेजिए, वो भी अपने चैनल को एनालाइज करेगा और देख पाएगा कि उसका चैनल कहीं डिसेबल, टर्मिनेट या सस्पेंड ना हो जाए यूट्यूब की तरफ से। तो यही चीज मैं आप लोग का समझाना चाहता था। अगर आप लोग को समझ आ गई है तो और ऐसी बात है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करके जरूर बता दीजिएगा। आपके चैनल की जो भी दिक्कत आएगी उसको मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अच्छे से एकदम। तो मिलते हैं आपको अब अगली वीडियो में। थैंक यू।